मध्य प्रदेश एटीएस ने गुरुवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी फैजल शेख को गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम ने सुबह 4 बजे इस कार्रवाई में शहर की गुलमोहर कॉलोनी, सलूजा कॉलोनी और कंजल मोहल्ले क्षेत्र में दबिश डाली थी। पुलिस ने इसके पास से बड़ी मात्रा में आतंकी साहित्य, मोबाइल, एक रिवॉल्वर और अन्य सामग्री जब्त की है। एटीएस के मुताबिक यह पुलिस पर लोन वुल्फ हमले की तैयारी में जुटा हुआ था और उससे पहले ही एटीएस ने इसे धर दबोचा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एटीएस और पुलिस की इस कार्रवाई पर पूरे पुलिस टीम को बधाई दी है। एटीएस इससे और जानकारी अभी ले रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक यह एनआईए द्वारा पकड़े गए आतंकी रकीब के भी संपर्क में था। मैं बोल लेता हूँ, आज एक बड़ी सफलता एटीएस को मिली है, जब जिसमें एक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को, जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आतंकवादी एवं अन्य देश द्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, इसी के अनुक्रम में एटीएस द्वारा संपूर्ण प्रदेश में सतत निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते आज ये सफलता मिली है। आज सुबह हमारे पास रिलायबल इनपुट ये आया था कि एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पर हम लोग वर्क कर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में आज सुबह एक आतंकी फैजान, पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में आईएम, आईएसआई, आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, साथ ही साथ सिमी संगठन के सदस्यता के जो फॉर्म्स हैं वो भी इनसे मिले हैं। इनके कब्जे में जो मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस मिली हैं, उनसे हम लोगों के पास कई फोटो और वीडियो इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि संगठनों के वीडियोस मिले हैं, फोटोज मिले हैं। और अभी हमारी इस पे तहकीकात जारी है, पूछताछ जारी है, हम लोग अभी इस पे आगे की विवेचना कर रहे हैं। और ये भी पाया गया है कि ये कई सिमी संगठन के जो पूर्व मेंबर्स थे उनसे भी संपर्क में था। इसके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसमें भी इसने इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट अपलोड कर रखा है। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं टेररिस्ट कैंप के, उसके वीडियो हैं। मसूद अजहर लश्कर ए तैयबा के तकरीर के पोस्ट एवं कंधार विमान अपहरण की कहानी तथा मुल्ला उमर के बयान एवं अंसार गजवातुल हिंद से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। ये लोन उल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात ये था कि ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके, सुरक्षा के तंत्र पे अटैक करना चाह रहा था, ये इसकी डिज़ाइन थी। ये यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक था और अबू फैजल से बड़ा मुजाहिद बनना चाहता था और इसने अपने योजना को अंजाम देने के लिए स्थानीय जो अवैध हथियार के तस्कर होते हैं और अंतर्राज्यीय जो तस्कर हैं उनसे भी संपर्क कर रहा था। अभी इससे प्राइमा फेसाई हमारे पास इतनी जानकारी मिली है और इस पे यूएपीए के एफआईआर किया गया है, इन्हें पुलिस रिमांड में लिया जा रहा है और इससे आगे पूछताछ करके और भी जो एविडेंस मिलेंगे, और भी जो लीड मिलेंगे, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
ये थोड़ा सा मैं और टाइम लेना चाहूँगा इस पर यह बताने के लिए कि ये ATS का पिछले 3 साल में 6 बड़े ऑपरेशन हुए हैं जिसमें हमने 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और ये जो ऑपरेशन हुए हैं इसमें 6 विभिन्न जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर कार्रवाई हुआ है। ऑपरेशन तो 6 से ज़्यादा भी हुआ है, उसका एक विवरण डाला हुआ है, और बाकी जो इंडियन मुजाहिदीन ISIS और अन्य संगठनों पे जो हमारी सफलता रही है उसका भी एक ब्रीफ प्रेस नोट में दिया गया। प्लीज सर, आपने पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूंगा। हमारी पुलिस चौकस, चौकन्नी और सतर्क है, यही कारण है कि एक IAS का बड़ा आतंकवादी जिसके माध्यम से बड़ी संभावना थी, हमने चौकन्ने होकर के उसको न केवल अपने कब्जे में लिया बल्कि उसके साथ कई सारे साहित्य, कई सारी चीजें हैं, हम इससे जुड़ी भारत सरकार की सभी गुप्त एजेंसियों के संपर्क में भी आ गए हैं। हम उनको भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके माध्यम से जो जो भी बड़े नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उस पर भी जानकारी जुटाई जाए, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई घटना हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है कि ऐसे आतंकवादी को हमने न केवल पकड़ने में सफलता प्राप्त की है बल्कि इससे जुड़े हुए सारे राज भी हमने समझ लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से इनकी कमर टूटेगी और ऐसी किसी घटनाओं से लड़ने में पुलिस सक्षम है। मैं पुलिस के जवानों को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि वो यही सजगता बरकरार रखेंगे। फैजान नाम का आतंकवादी जिसके बारे में जानकारी मुझे दी गई है, इसके पास ISI से लेकर के कई सारे ऐसे साहित्य मिले हैं जिसके माध्यम से कई वीडियो वो फॉलो करता था, कई प्रकार के प्रमाण मिले हैं और उससे कई प्रकार का असला मिला, रिवॉल्वर मिली है, बाकी ऐसा खतरनाक साहित्य मिला है जिसके कारण से उसके लिए, खास करके भारत की सुरक्षा के लिए वो खतरा हो सकता था। मध्य प्रदेश की पुलिस को मैं एक बार फिर आपके माध्यम से बधाई देता हूँ।